इतिहास है तथा संसार क्या है, मैं क्या हूं, इसका विचारना ज्ञान मार्गी का अभ्यास है। उसकी दृष्टि में वही सर्व है और वही सर्वातीत है। अंतर्मुख दृष्टि से वह सर्वातीत है तथा बहिर्मुखी वृत्ति होने पर सर्वस्वरूप वही है। इसी को वेदांतियों का ब्रह्म अभ्यास कहते हैं, किंतु इनमें अन्वय रूप अभ्यास वही कर सकता है जिसे स्वरूप का बोध हो गया है, जो अतत्वज्ञ है, जानता नहीं है, वह इस अभ्यास का अधिकारी नहीं है। जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा धनी हो और उसकी जगह जगह बहुत सी कोठियां हो एवं अनंत धन धान्य हो, तो वह किसी भी स्थान पर रहे उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति का अभिमान बना ही रहता है। वह जानता है कि मेरी संपत्ति सर्वत्र है, इसकी आवश्यकता नहीं कि वह सारी संपत्ति उसके सामने ही रहे। इसी प्रकार जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि सारा प्रपंच मेरा ही स्वरूप है, उसके लिए गोलोक, वैकुंठ, स्वर्ग, नरक सब उसी का स्वरूप है, उसी का नहीं वस्तुतः वही है। हां, साधक को तो निषेध का ही आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसी में रह जाना बड़ी भारी कमी है। इससे न तो पूर्णता ही होती है और न राग द्वेष का अत्यंत अभाव ही। इस प्रकार का अभ्यास करते करते जब बोध की दृढ़ता हो जाती है, तो स्वयं ही उसकी दृष्टि में सारा प्रपंच आत्म स्वरूप हो जाता है। गढ़मुक्तेश्वर में मुझसे एक महात्मा ने कहा था कि एक बार जब वे हरिद्वार में थे, श्री पूर्णाश्रम स्वामी वहां आए। उन दिनों इतना कड़ा शीत था कि सब लोग बहुत से कपड़े पहनने पर भी ठिठुरे जाते थे, परंतु लोगों ने देखा कि स्वामी जी दिगंबर होने पर भी सर्वथा निश्चल है।